भाई इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाइपर लेजर फैब्रिक आर्किटेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हाइपर लेजर फैब्रिक क्या होता है। हाइपर लेजर फैब्रिक एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है जो कि यूज़ होता है एंटरप्राइज में। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर में देखते हैं भाई ये सारी चीज़ है क्या, फिर देखेंगे फ्लो क्या है। क्लाइंट एप्लीकेशन यानी कि वो बंदा जो कि ट्रांजेक्शन करेगा। SDK क्या है भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। HFC क्या है भाई, हाइपर लेजर फैब्रिक क्लाइंट, जो कि किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है भाई, पाइथन में हो सकती है, नोड JS में हो सकती है, किसी में हो सकती है। यानी कि हम जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन में ऐड करा सकते हैं। फिर क्या है भाई, ये क्या है, एक पीयर है। पीयर यानी कि कोई भी नोड, हमारे ब्लॉकचेन में बहुत सारे नोड्स होते हैं, कोई भी नोड जो है वो उसको मैं पीयर बोल सकता हूँ, ठीक है। अब पीयर जो हो सकते हैं दो तरह के होते हैं, या तो वो एंडोर्सर हो सकता है या फिर वो कमीटर हो सकता है। एंडोर्सर क्या होता है, कमीटर क्या होता है, वो देखते हैं भाई। कमीटर यानी कि जो फाइनल जो ब्लॉक बनेगा ना हमारा, फाइनल जो ब्लॉक बनेगा उसको ब्लॉकचेन में ऐड करेगा, ब्लॉकचेन में कमिट करेगा, वो होता है कमीटर। एंडोर्सर क्या होता है भाई, जो एंडोर्सर जो होता है ना, एंडोर्सर के पास आता है क्लाइंट का ट्रांजैक्शन, वो उसको साइन करता है। वो उसको क्या करता है, साइन करता है। क्यों, उसी वही क्यों करता है, क्योंकि भाई एंडोर्सर के पास चेन कोड होता है। चेन कोड क्या होता है भाई, चेन कोड होता है क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा होता है, उसमें सारी पॉलिसीज लिखी होती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से एंडोर्सर जो है या तो वो उसको साइन करेगा इसके ट्रांजैक्शन को, या फिर रिजेक्ट करेगा, ठीक है। लेजर क्या होता है भाई, ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इवेंट्स क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है बेसिकली। अगर मान लेते हैं किसी बंदे का ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो गया तो नोटिफाई कर दो, एक्सेप्ट हो गया तो नोटिफाई कर दो यूज़र को, ये सब होता है, ठीक है। मेंबरशिप सर्विसेज क्या होता है भैया, मेंबरशिप सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सर्टिफिकेट टू द यूज़र कि भाई हाँ तुम अब ट्रांजैक्शन जो है वो भेज सकते हो एंडोर्सर को। यानी कि मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइड द यूज़र द सर्टिफिकेट कि हाँ भाई तुम अब जो है ट्रांजैक्शन भेज सकते हो हमारी ब्लॉकचेन में, हम देखेंगे कि हमें ऐड करना है या नहीं करना है। तो भाई मेंबरशिप सर्विस क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट। किसकी हेल्प से करती हैं, या तो वो इंटरनल जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसकी हेल्प से करें, या फिर एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसकी हेल्प से करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये ऑर्डरिंग सर्विस क्या होती है, ये क्या करती है, ट्रांजैक्शन को ऑर्डर में करती है, पहले ऑर्डर में करेगी, फिर उसका ब्लॉक बना देगी और फिर कमिटर को भेज देगी, ठीक है। ये है भैया, ये सब चीज़ें हैं, इनका मतलब ये है। अब देखते हैं भाई फ्लो क्या होता है। पहला स्टेप है प्रपोज ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है भाई, क्लाइंट जो है ना वो कहता है एंडोर्सर से कि भैया मैं तुम्हें ट्रांजैक्शन भेज रहा हूँ, तो देखो देखो तुम कि क्या इसको साइन करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है ना, प्रपोज ट्रांजैक्शन। दूसरा है एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन। जो क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन भेजा है एंडोर्सर को, वो चेन कोड की हेल्प से देखता है उसको, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और फिर देखता है क्या मुझे साइन करना है इसको या फिर रिजेक्ट करना है। तो तीसरा क्या है, प्रपोजल रेस्पॉन्स। जो क्लाइंट ने प्रपोजल भेजा है उसका रेस्पॉन्स भेजता है बैक टू द क्लाइंट कि ए भाई मैंने तेरा जो ट्रांजेक्शन उसको साइन कर दिया, मजे ले तू, या फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया है। फोर्थ क्या है, ऑर्डर ट्रांजेक्शन। अगर एंडोर्सर जो है उसको क्या भेज देता है, उसको रेस्पॉन्स भेज देता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स भेज देता है कि हाँ भैया ले तो अपना मैंने साइन कर दिया, ठीक है ना, तो क्लाइंट क्या करता है भैया, ऑर्डरिंग सर्विस को बोलता है कि भाई मेरे को साइन मिल गया है एंडोर्सर का, ठीक है ना, अब ले तू कर अपना काम, ठीक है। तो ऑर्डरिंग सर्विस क्या करता है, उस ट्रांजैक्शन को लेता है और जो उसके बाकी के ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ऐड करता है टू फॉर्म अ ब्लॉक। फिफ्थ क्या है, डिलीवर्ड ट्रांजैक्शन। तो भाई ये जो ऑर्डरिंग सर्विस है ये कमिटर के पास भेज देती है ब्लॉक जो बना, ठीक है ना। सिक्स्थ है भाई वैलिडेट ट्रांजैक्शन। भाई वैलिडेट का मतलब क्या है, अब देखो बात ऐसी है कि जो क्लाइंट है ना वो सबको भेजता है ट्रांजैक्शन, यानी कि एंडोर्सर सिर्फ एक ही नहीं है, एंडोर्सर बहुत सारे हैं। मान लेते हैं एंडोर्सर है तीन, ठीक है, उन सबके पास चेन कोड है, ठीक है, और मान लेते हैं चेन कोड में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट दो बंदों का साइन चाहिए मेरे को, एटलीस्ट दो बंदों का साइन चाहिए, और मान लेते हैं E1 ने किया सिर्फ, E2 ने नहीं किया, E3 ने भी नहीं किया, ठीक है ना। तो वैलिडेशन में यही होता है, वो देखते हैं कि चेन कोड के अनुसार जो उसमें लिखा हुआ था कि भैया दो, कम से कम दो बंदों के साइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, क्या वो वैलिडेट कर रहा है। अगर दो बंदों को साइन मिल रहे हैं तो भाई फाइनल कमिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वैलिडेट ट्रांजैक्शन है। अगर मान लेते हैं यहाँ दो बंदों के साइन मिल गए हैं जो कि चेन कोड में लिखा हुआ था, तो वो वैलिडेट हो जाएगा और सेवन्थ में क्या है, वो कमिट हो जाएगा और वो नोटिफाई कर देगा यूज़र को कि हाँ भैया कमिट हो गया है। तो ये भाई हाइपर लेजर फैब्रिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना, और ये है इसका फ्लो, जो 7 स्टेप्स है, ये क्या है, इसका फ्लो।
तो हमने देखा हाइपर लेजर फैब्रिक क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर देखा और उसका देखा फ्लो। तो भाई फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, क्लाइंट भेजता है एंडोर्सर्स के पास अपनी रिक्वेस्ट कि भाई देखो इसको साइन कर दो ट्रांजैक्शन को। एंडोर्सर देखता है चेन कोड की हेल्प से कि मुझे साइन करना है या नहीं करना है, और बैक भेज देता है रेस्पॉन्स क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट क्या करता है, अगर उसको साइन मिल जाता है तो ऑर्डरिंग सर्विस को भेज देता है कि भैया मेरा साइन मिल गया, अब तुम इसको ऑर्डर कर दो विद ऑल अदर ट्रांजेक्शन टू फॉर्म अ ब्लॉक। अब ब्लॉक को भेज देता है वो कमीटर के पास। कमीटर क्या करता है, कमीटर वैलिडेट करता है उसको कि भैया जितने बंदों के साइन लिखे हुए थे क्या उसमें को उसको मिल गए हैं, ठीक है। अगर मिल गए हैं तो उसको कमिट कर देता है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है भाई, नोटिफाई, ठीक है ना।